हेलो दोस्तों, मैं हूं मालकम और आज आपसे बात करूंगा कि आप आपकी पीटी कैसे क्रैक कर सकते हैं आपकी फर्स्ट अटेम्प्ट में। मेरा खुद का स्कोर है 90 ईच पीटी में और काफ़ी स्टूडेंट्स को ट्रेन कर सकता हूं, 30,000 से ज़्यादा स्टूडेंट्स। और ये वीडियो बना के आपको भी हेल्प करना चाहता हूं कि आप आपकी पीटी फर्स्ट अटेम्प्ट में कैसे क्रैक कर सकते हो। तो चलिए टाइम वेस्ट नहीं करते, सीधा स्टार्ट करते। सबसे पहली चीज़ कि टेस्ट फॉर्मेट को समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। कई बच्चे ऐसे होते हैं जो टेस्ट में अनप्रिपेयर्ड चले जाते हैं, फॉर्मेट उनको पता नहीं होता प्रॉपरली और कंफ्यूज और पैनिक हो जाते हैं एग्ज़ाम में, क्योंकि आजू बाजू शोर भी बहुत होता है तो ब्रेन थोड़ा डगमगा जाता है। इसीलिए फॉर्मेट समझना बहुत ज़रूरी है। स्पीकिंग, राइटिंग, रीडिंग और लिसनिंग, ये सीक्वेंस में चार सेक्शन आएंगे आपके पीटी एग्ज़ाम में। और हर एक सेक्शन में कितने टास्क हैं, कौन से सीक्वेंस में आएंगे और हर एक टास्क में कितने क्वेश्चन आएंगे अप्रॉक्सीमेटली, ये जानना बहुत ज़रूरी है। तो फॉर्मेट ज़रूर सीख के जाइए टेस्ट के पहले। दूसरी टिप, अपनी कमियों के बारे में पता होना बहुत ज़रूरी है, जिसे हम कहते हैं वीकनेसेस। अगर आपको पता नहीं है कि आप कौन से सेक्शंस में वीक हो तो उनमें आप ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं करोगे और ऑब्वियसली एग्ज़ाम में कंफ्यूज हो जाओगे। अक्सर ये टास्क है जिसमें मैंने देखा है कि स्टूडेंट्स को दिक्कत होती है ड्यू टू लैक ऑफ प्रैक्टिस, जो है रिपीट सेंटेंस, राइट फ्रॉम डिक्टेशन, रीडिंग ब्लैंक्स, रीडिंग राइटिंग ब्लैंक्स, लिसनिंग ब्लैंक्स। ये पांच ऐसे टास्क हैं जो कई स्टूडेंट्स के लिए एक वीकनेस बन जाते हैं। तो अगर आप चाहते हो कि आपकी स्ट्रेंथ्स बने तो डेफिनेटली आपको इनमें ज़्यादा प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी और प्रॉपर फीडबैक के साथ ही आप टेस्ट में जा सकते हो, तो ये ज़रूर ध्यान रखिए। थर्ड पॉइंट है एक प्रॉपर स्टडी शेड्यूल या टाइम टेबल बनाए रखना और उसको फॉलो करना। सिर्फ बनाने के लिए नहीं बनाना है, फॉलो भी करना बहुत ज़रूरी है। हर कोई अपने काम में या अपनी स्टडीज़ के साथ बिजी है, उसके साथ साथ आपको पॉइंट्स भी लाने हैं, पीटी भी क्रैक करनी है, तभी आपका आगे स्टूडेंट वीज़ा या एजुकेशन वीज़ा या तो पीआर का वीज़ा आएगा। उसके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप अपने काम और स्टडीज़ के साथ साथ पीटी के लिए दिन में कम से कम 1 to 3 hours दो ही दो प्रैक्टिस के लिए। उससे कम दोगे तो बात मुश्किल हो जाएगी। उसमें भी आप जिस टास्क में स्ट्रांग हो, जो आपकी स्ट्रेंथ्स है, उसमें थोड़ा कम टाइम दीजिए, पर जिस टास्क में आप वीक हो उसमें ज़्यादा टाइम दीजिए। थोड़े ऐसे टास्क बताऊंगा जैसे रिपीट सेंटेंसेस की आपको बल्क प्रैक्टिस करनी ही चाहिए, 30 to 40 सेंटेंसेस विद इन 7 to 8 minutes नॉन स्टॉप। राइट फ्रॉम डिक्टेशन डेली 40 to 50 सेंटेंसेस प्रैक्टिस करने ही चाहिए, 5 sentences करने चाहिए, फिर 5 का आंसर चेक करिए। हर एक क्वेश्चन टाइप करके उसका आंसर चेक मत करिए, उससे बहुत टाइम वेस्ट होगा और मिस्टेक्स की पैटर्न भी नहीं पकड़ पाओगे। उससे अच्छा है बल्क प्रैक्टिस। रीडिंग ब्लैंक्स और रीडिंग राइटिंग ब्लैंक्स डेली 15 + 15 करनी ही चाहिए। हर एक टास्क और हर एक क्वेश्चन के लिए 2 minutes का टाइमर रखिए, उसमें आपको सॉल्व करनी है, 10 blanks सॉल्व करनी है 20 minutes में और फिर 10 to 15 minutes में आंसर्स चेक और इवेल्यूएट खुद से करने हैं। मीनिंग अगर समझ में नहीं आते तो फिर डिक्शनरी पर जाइए और मीनिंग ओपन करिए वर्ड का। नेक्स्ट चीज, प्रॉपर प्रैक्टिस मटीरियल यूज़ करना भी बहुत ज़रूरी है। आपको YouTube पे और बहुत सारे रिसोर्सेज ऐसे मिलेंगे इंटरनेट पे जहाँ बहुत सारे क्वेश्चंस दिए हुए हैं, आंसर्स भी दिए हुए हैं, पर ऐसी वेबसाइट्स पे प्रैक्टिस करिए जहाँ पे आपको प्रैक्टिस करने का मज़ा है। जैसे हमारी खुद की वेबसाइट है oneaustraliagroup.com, हमारा खुद का PT पोर्टल है, बहुत मेहनत से हमने बनाया है, बहुत सारे उसमें क्वेश्चंस है, मोर देन 10,000 लेटेस्ट क्वेश्चंस है जो आप प्रैक्टिस कर सकते हो पेड सब्सक्रिप्शन लेने के बाद। उसके अलावा हमारी प्रेडिक्शन फाइल बिल्कुल फ्री है, वो भी हमारी वेबसाइट oneaustraliagroup.com पर आपको मिल जाएगी। वो पढ़िए, उसमें से क्वेश्चन ज़रूर आएंगे। 20 to 30% क्वेश्चन जनरली रिपीट होते हैं, उससे ज़्यादा रिपीट जनरली कोई भी प्रेडिक्शन फाइल से नहीं होते, खास करके राइट फ्रॉम डिक्टेशन, लिसनिंग ब्लैंक्स, रीडिंग ब्लैंक्स, रीड अलाउड, आंसर शॉर्ट क्वेश्चन और रीऑर्डर पैराग्राफ्स। ये टास्क आप ज़रूर देख के जाइए हमारी लेटेस्ट प्रेडिक्शन फाइल में से। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स, एंड दैट इज़ PT कोलोकेशन लिस्ट। तो PT ने अपनी एक लिस्ट दी है जिसे हम कहते हैं एकेडमिक कोलोकेशन लिस्ट, जिसमें बहुत सारे वर्ड्स उन्होंने दिए हुए, जिसमें से अक्सर सेम रीडिंग या रीडिंग राइटिंग ब्लैंक्स में वर्ड्स आ सकते हैं। कोलोकेशन ऐसे वर्ड्स होते हैं जो को लोकेटेड होते हैं, दो वर्ड्स इकट्ठा, इसलिए उनको को लोकेशन कहते हैं। जैसे कि वर्ड्स है एकेडमिक रिसर्च, एकेडमिक जर्नल, तो बहुत बार आप देखोगे कि ब्लैंक्स में से कन्फ्यूज करने वाले सिमिलर वर्ड्स आएंगे, बट अगर आपने कोलोकेशन लिस्ट पढ़ी है तो आप ईजिली ये ब्लैंक सॉल्व कर पाओगे और ये फ्री में आप एक्सेस कर सकते हो। आप सिर्फ गूगल पे टाइप करिए PTE कोलोकेशन लिस्ट
और आप ये पीडीएफ डाउनलोड करके फोन में सेव कर दीजिए ताकि आप कभी भी उसको सोने से पहले प्रैक्टिस कर सकते हो रात को। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो है आपको आपके प्रोनंसिएशन पे फोकस और इम्प्रूव करना चाहिए। प्रोनंसिएशन एक ऐसी चीज़ है जो कोई भी कर सकता है इम्प्रूव, बट आपको सही तरीका पता होना चाहिए। ईजिएस्ट तरीका है कि नॉर्मल स्पीड पे आपको बोलना है, बहुत स्लो नहीं, बहुत फास्ट नहीं। दूसरी चीज़, ऐसे स्ट्रेट बैठ के एनर्जी के साथ बोलना है, एकदम थके हुए और सुस्त आवाज़ में नहीं बोलना है। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़, आपको आपका मुंह यानी कि आपके जॉज प्रॉपरली खोल के बोलने हैं। अगर आप उन्हें पूरी तरह खोल के नहीं बोलोगे तो आपके जो वर्ड्स है वो क्लियर नहीं सुनाई देंगे और स्कोर आपका कम रहेगा। तो बहुत फास्ट या बहुत स्लो मत बोलिए, छोटे छोटे पॉजेस लीजिए सेंटेंसेस के बीच में, और जितना हो सके बुलंद आवाज़ में, कॉन्फिडेंटली, फ्लैट आवाज़ में बोलिए, वर्ड्स पर बहुत स्ट्रेस ना दीजिए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको आपका ग्रामर सुधारना पड़ेगा। ग्रामर के ऊपर हमने बहुत सारे वीडियोस बनाए जो आपको रीडिंग रीडिंग राइटिंग ब्लैंक्स दोनों टास्क में हेल्प करेंगे, और आपको साथ ही साथ थोड़ी नॉलेज पार्ट्स ऑफ स्पीच की भी होनी चाहिए, जैसे कि नाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब एट्सेट्रा, ताकि आप इजीली ब्लैंक्स को सॉल्व कर सको। ग्रामर ऐसी चीज़ है जो बहुत लोग सीखना नहीं चाहते हैं, बड़ा बोरिंग लगता है, बट एक बार आप समझ जाओगे और सही तरीके से अगर समझोगे तो आप वो भूल नहीं सकते हो, ऐसी चीज़ है। तो इसीलिए फ्रेंड्स, ग्रामर के रूल ज़रूर सीखें, हमारे दूसरे वीडियो ज़रूर देखिए, आपको काफ़ी हेल्प होगी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट प्रैक्टिस करना। टाइम मैनेजमेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है आपके रीडिंग, राइटिंग और लिसनिंग, ये तीनों सेक्शंस के लिए। इसीलिए मैं सजेस्ट करता हूँ सारे स्टूडेंट्स को कि राइटिंग का कोई भी टास्क हो, जैसे कि राइट एसे, समराइज रिटन टेक्स्ट या समराइज स्पोकन टेक्स्ट, तो वो टाइमर रख के ही नोटपैड में प्रैक्टिस करें और फिर कोई वर्ड एडिटर में आप उसको चेक करें ताकि आपकी मिस्टेक्स हाईलाइट हो जाए। समराइज रिटन टेक्स्ट और समराइज स्पोकन टेक्स्ट में 7 मिनट्स का टाइमर रखिए, राइट एसे में 15 मिनट्स का टाइमर रखिए। भले आप कोई भी टेम्पलेट यूज़ करो, पर 15 मिनट्स में आपका ऐसे फिनिश होना ही होना चाहिए, ताकि आप रिमेनिंग 5 मिनट्स में मिस्टेक्स ढूंढ निकालो। ये बेस्ट तरीका रहेगा जीरो मिस्टेक्स के साथ रियल एग्जाम में ऐसे लिखने का। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ जो बहुत मैटर करती है वो है गेटिंग द राइट फीडबैक। बहुत बार ऐसा होता है कि स्टूडेंट एक बहुत एक्सपेक्टेशन के साथ एक इंस्टीट्यूट या एक टीचर की सर्विसेज ज्वाइन करता है, ये होप से कि वो टीचर उसको सही डायरेक्शन देगा, सही गाइडेंस देगा, ताकि वो जल्द से जल्द अपनी पीटी क्रैक कर सके। हमेशा ऐसा टीचर चूज करिए जिसका खुद का 90 ईच या तो 9 ईच का स्कोर हो। ऐसा ज़रूरी नहीं कि सारे 9 ईच वाले टीचर अच्छे ही आपको गाइड करेंगे, पर एटलीस्ट हमें एक चीज़ का तो कॉन्फिडेंस रहेगा कि ये जो टीचर है उसने खुद पीटी क्रैक की हुई है बहुत अच्छे स्कोर्स के साथ। मैं अपनी बात करूँ तो क्लोज टू 30,000 स्टूडेंट्स से ज़्यादा को मैं खुद पढ़ा चुका हूँ, तो आप सोच सकते हो किस टाइप का मेरा एक्सपीरियंस है, और ये मैं सिर्फ और सिर्फ पीटी की बात कर रहा हूँ। अगर आयल्स और नाटी को जोड़ ले तो ये नंबर और भी बड़ा हो जाएगा। सारे हमारे टीचर जो है वो मैं खुद चूज करता हूँ, और सारे के सारे 90 ईच ट्यूटर्स हैं। तो ये टाइप की आपको क्वालिटी और कॉन्फिडेंस चाहिए अगर आप चाहते हो कि आपको भी अच्छा फीडबैक मिले जो जल्द से जल्द आपको हेल्प करे आपकी पीटी क्रैक करने के लिए। लास्ट स्टेप जो सबसे इम्पॉर्टेंट नंबर 10 है आज के वीडियो में, वो है सेल्फ मोटिवेशन। दोस्तों, आज की दुनिया ऐसी है कि बहुत सारी न्यूज़ ऐसे आती है, कोई व्हाट्सएप से आ रही है, कहीं फेसबुक से आ रही है, कहीं इंस्टाग्राम से आ रही है, कहीं टिकटॉक पे आ रही है। बहुत सारी चीज़ें बहुत जल्दी हमें डीमोटिवेट कर देती है आजकल, कि यार उसका तो वीज़ा आ गया, मेरा क्यों नहीं आ रहा, उसका तो पीटी क्रैक हो गया, मेरा क्यों नहीं हो रहा, मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, उसका लेवल नहीं है फिर भी उसका स्कोर आ गया, है ना, आते हैं ना ऐसे थॉट्स दिमाग में। सो फ्रेंड्स, अपने आप को ना कभी किसी और से कंपेयर मत करो। आपको नहीं पता कि सामने वाला स्टूडेंट या बंदा क्या स्मार्टनेस से काम कर रहा है। हो सकता है आप हार्ड वर्क कर रहे हो और दूसरा वाला आपकी उसकी समझ से स्मार्ट वर्क कर रहा है। तो डीमोटिवेट ना हो, आपके प्लान्स सबको मत बताए, अपने पास ही रखें, क्योंकि आप अपने आप के बेस्ट वेल विशर हो। आप अपना अच्छा सोचो और प्रैक्टिस करते जाओ, जो आपका टीचर आपको बोलता है बस वही फॉलो करो। मतलब 50 या 100 वीडियोस देख के खुद को कंफ्यूज मत करो। अगर एक टेम्पलेट फॉलो कर रहे हो तो वही करो, और उसको कैसे गलती के बिना कर सकते हो वो सोचो। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक, फॉलो, शेयर ज़रूर करें, कमेंट भी ज़रूर करें। अगर आप ऐसे और वीडियोस चाहते हैं तो बताइए किस टॉपिक पर चाहते हो। हम मेलबर्न विक्टोरिया बेस्ड हैं, पीटी, आईएलटीएस और नाटी सीसीएल की कोचिंग देते हैं, फेस टू फेस और ऑनलाइन दोनों। हमारी वेबसाइट पर जाइए oneaustraliagroup.com, आपको सारे कोर्सेज की सारे इन्फॉर्मेशन बहुत ईजिली मिल जाएगी। कुछ भी हो हमें कॉन्टैक्ट करिए। मैं हूँ मालकम, ऑल द बेस्ट।